सो हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में जो आपके घरों में भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आप भी ये वीडियो पूरी देखें। और ये एकदम असरदायक मेडिसिन है, इसका रिजल्ट आपको उसी टाइम देखने को मिलेगा जिस टाइम आप यूज़ करेंगे। एंड पूरा इससे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। सो आगे वीडियो बढ़ने से पहले, जो कि ये ड्यूरिंग COVID-19 पीरियड्स, जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो उस दौरान प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है मेडिकल्स के तौर पे, तो आपको ये मेडिसिन आपके घर पे होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसको बनाने के तरीके भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगी। सो ध्यान से सुने। सो फ्रेंड्स, ये ही मेडिसिन है आर के अजीब, जो कि यूनानी मेडिसिन है, जो आपके इमरजेंसी मेडिसिन की तरह वर्क करेगी। एक अच्छा असरदायक मेडिसिन है जो क्विक रिजल्ट फॉर्म करेगी आपके कॉमन डिजीज में। ये काफ़ी मशहूर नाम से जाना जाता है, अमृता धारा, जो आयुर्वेदिक में भी काफ़ी फेमस है। यूनानी में से जो हर शिफा कहते हैं, और होम्योपैथिक में भी इसे कैम्फर के नाम से जाना जाता है। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इसके कि ये काफ़ी बहुत जो कॉमन डिजीज़ है उसको मोस्टली वो क्योर करेगा। देन ये जो तीन कॉम्पोनेंट्स हैं कैम्फोर, ये सिनामोमम कैम्फोरा और मेंथा मतलब पेपरमिंट एंड आपका अजवाइन, जो कॉमन आपके किचन एरियाज में कहीं मिल जाता है, गार्डन एरिया में भी मिलता है। सो ये तीन ही ड्रग्स हैं जो आपको मिलके एक इमरजेंसी मेडिसिन की तरह काम करेगी आपके लाइफ में। सो फ्रेंड्स, इस खास तौर से आप इसे सफ़र के टाइम में भी ले जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगी और ये आपके साथ होना चाहिए। देन इसके एक्सटर्नल यूज़ और इंटरनल यूज़ आप अच्छे से आगे वीडियो में देखेंगे, तो जल्दी बढ़ते हैं। ये चार ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स के नाम पे भी ये आर के अजीब आपको मिलेगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ये ऊपर वाला ब्रांड है वो केरला का ब्रांड है, और दूसरा जो है वो कुलजुम करके एक आता है, एक जिंदा करके एक आता है, जो हर अजीब के नाम से भी आते हैं, अलग अलग ब्रांड के नाम से आते हैं। इवन जो आर के अजीब है वो ट्रांसपेरेंट होता है ऑलमोस्ट, वैसे लोग रेड, ग्रीन, ब्लू, इवन काफ़ी अलग अलग कलर के तौर पर भी आता है, आप उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रेड कलर ऐड करना है तो आप चंदन रुख सुख जो है उसे ऐड कर सकते हैं, आगे में उसके तरीके में बताऊंगी। देन जो पहला इंग्रेडिएंट है हमारा अजवाइन, सो जो सत अजवाइन है वो ऐसा ट्रांसपेरेंट लेके, देन ये जो है बायशोफ वीट भी कहते हैं, ये नंबर वन इंग्रेडिएंट है हमारे आर के अजीब में। तो आपको इसको बनाने का तरीका ये है, इसको आप 75 ग्राम ले लीजिए। देन जो सेकंड है वो मेंथा भी बोलते हैं, मिंट, पेपर मिंट की तरह काम करता है, पुदीना, उसका सत पुदीना आप ले लीजिए ट्रांसपेरेंट फॉर्म, इसको आपको लेना है 150 ग्राम लेना है। देन आपका जो थर्ड मेन इंग्रेडिएंट है कैम्फोर, सिनामोमम कैम्फोरा, इसको आपको 300 ग्राम लेना है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आप कैम्फोरा मतलब कपूर आप अगर इसे 220 या 20 ग्राम में ले रहे हैं, तो जो बाकी के दो अजवाइन हैं और पुदीना, उन दोनों को अगर आप सेम रेशियो में लेते हैं तो उसका रेशियो, दोनों का रेशियो डबल करके अमाउंट में आपको कपूर लेना है। नहीं तो आप जो है ऐसे भी रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कपूर, देन उसके बाद आप अपना पुदीना और फिर अजवाइन का जो मैंने आपको रेशियो बताई उसी के हिसाब से ग्राम में आप ले सकते हैं। तो इसको एक बोतल में डाल के इसे रख लीजिए। देन उसके बाद आप इसे डिसॉल्व करने के लिए आप सन के कॉन्टैक्ट कराइए, आप इसको धूप में रख दें और ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा कुछ ही दिनों में। विंटर में थोड़ा डिसॉल्व में टाइम लगता है, बट ये डिसॉल्व हो जाता है। देन इसे आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कलर ऐड करने के लिए चंदन सुख ऐड कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए रख दें और छान के रख सकते हैं। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने घर में बनाएं तो एयर टाइट कंटेनर में, इसका जो कैप है वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, नहीं तो ये इसका जो चीज़ है वो उड़ जाती है बिकॉज ऑफ कपूर एंड ये जो इंग्रीडियंट्स हैं। देन अब हर एक एक चीज़ के हम बेनिफिट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो अजवाइन का जो है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को या डाइजेस्टिव हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट लाता है। इवन गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम में अजवाइन काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आपके टूथ एक या फिर ईयर एक में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, अर्थराइटिस जो पेन आते हैं उसमें भी रिलीफ करता है, और ये एक्सेसिव ब्लीडिंग या इरेगुलर मेंसेस में भी अच्छा वर्क करेगा, ये रिड्यूस करेगा आपके वेट लॉस को, इवन आपके कॉमन कोल्ड में भी अच्छा वर्क करेगा, ये इवन लेस करेगा जितनी भी आपकी ग्रीनिंग ऑफ हेयर्स प्रमोट हो जाते हैं ड्यूरिंग यंग या अडल्ट एज में ही, तो ये अजवाइन उसमें अच्छा वर्क करता है। और आप इसे ये किडनी डिसऑर्डर में भी अच्छा, जो किडनी डिसऑर्डर्स में जो पेन होता है उसे भी ट्रीट करता है। देन इसका जो पेपरमिंट, जो पुदीना है उसका देख लीजिए, वो अस्थमा में अच्छा ट्रीट करता है, रेस्पिरेटरी जितनी डिसऑर्डर्स है उससे, जितनी भी एलर्जीज़ हैं, जो प्रीवेंट एलर्जीज़ हैं उनको ठीक करेगा, एंड इंश्योर ओरल हाइजीन ऑल्सो, एंड ये करता है आपके वेट लॉस में भी वर्क, और स्ट्रेंथ करता है आपके लीवर जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को, एंड प्रिवेंट करता है आपकी मेमोरी
लॉस होने से, और डिप्रेशन में भी काफ़ी अच्छा रोल माना गया है इसका। देन आप और भी अच्छे इसके हैं, ये पुदीना आप घर पे यूज कर सकते हैं, एंटी एक्ने के लिए भी, आपके जो IBS की प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी, हेडेक में भी काफ़ी रिलीफ दिलाएगा, और इवन एंटी कैंसर बिग डिजीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। एंड नोजिया में हेल्प करता है, आपके टीथ वाइटनिंग ऑफ योर टीथ ऑल्सो हेल्प इन पुदीना एंड मिंट, और आपके नेजल कंजेशन में भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। देन जो कैम्फर है ऑयल भी आता है इसका, सो आप कैम्फर ऑयल भी ले सकते हैं एज ए कहीं भी ऑनलाइन स्टोर से। सो ये आपके प्रिवेंट करता है स्किन इन्फेक्शंस को, रिलीफ करता है आपकी गैस जैसे प्रॉब्लम को, रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन आपके स्वेलिंग जैसे प्रॉब्लम्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छा वर्क है, एंड ये आपके इम्प्रूव कराएगा आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, ये सेक्सुअल डिज़ायर्स जितनी भी है उसको भी इंक्रीज़ करेगा, एंड ये रिड्यूस करेगा आपके जॉइंट पेन, मसल स्पाजम्स को प्रिवेंट करेगा आपके मलेरिया जैसे फीवर्स ऑल्सो में, एंड आपके मसल्स रिलैक्सिंग भी काफ़ी अच्छे हैं। अब इसका बेनिफिट्स एसेंशियल ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, जो कैम्फर एसेंशियल ऑयल अलग से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। एंड अब इसको ये जो आपको हेल्प दिख रही है वो सेम एज ए जो अभी मैंने आपको बताया इसकी बेनिफिट्स। देन अब इसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़ देख लेते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़ देख लेते हैं। जब आप इसे बनाएं तो आप इसको जैसे मैंने आपको बनाने का तरीका बताया, तो उसके साथ आप यूकलिप्टस ऑयल भी, एक मैजिकल ऑयल है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैजिकल ऑयल के बारे में बताया, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूकलिप्टस ऑयल है, वो इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं। इवन रोगन करनफिल, रोगन एंड दालचीनी, रोगन एंड इलायची करके आता है उसके साथ भी ऐड करते हैं, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा आता है। नहीं तो आपको अगर दोनों चीज़ के लिए यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ ना करें। देन अब आपको हम बताते हैं इसके यूजेस एक एक से। जो फर्स्ट यूज़ है, जो फर्स्ट यूज़ है आपको वॉमिटिंग एंड नोजिया का। सो वॉमिटिंग एंड नोजिया में ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ये तीनों मिलके, ये तीनों का अलग अलग जो बेनिफिट्स आपको बताया है, जो ये फ़ायदे हैं, इन तीनों का फ़ायदा एक साथ आपको ऐसे इन इन चीज़ों में मिलेगा। इसको कैसे लेना है, अब इसके ड्रॉप वाइज में लेना है आपको। जैसे वॉमिटिंग एंड नोजिया में आपको 1 से 2 ड्रॉप लेना है वाटर के साथ इनटेक करके। अगर आई नो कि ये काफ़ी इसकी जो स्मेल होती है वो ज़्यादा माइल्ड होती है, तो आप इसे लेने में प्रॉब्लम आए तो आप इससे बताशा, मतलब जो शर्करा होती है, या उसको ऐड करके ले सकते हैं, नहीं तो चीनी के साथ ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुने, देन ये चीज़ है। अब नेक्स्ट जो इसकी बेनिफिट है वो आपके डायरिया जैसे, गैस प्रॉब्लम जैसे, एब्डोमिनल पेन जैसे, फ्लैटुलेंस में, इन सब में भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसको भी 1 से 2 ड्रॉप्स लेना है आपको। देन कॉलेरा, कॉलेरा हाइजा, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी आपको हर एक घंटे आपको कितने ड्रॉप लेने हैं, 2 ड्रॉप लेने हैं। एंड जो इतने भी अभी एक्सटर्नल यूज़ आ गए, जो एक्सटर्नल यूज़ हैं उसे आपको क्या करना है, जितने भी ये मसल्स पेन या नेक स्टिफनेस हो जाती है, या फिर लेग में एंड मसल्स में स्पाजम हो जाता है, इन सब में पसलियों में, उसमें 2 से 4 ड्रॉप्स यूज़ करें, सो आपको फ़ायदा मिलेगा उसी टाइम। देन आपके जो हेडेक होता है, इसमें हेडेक सीवियर टू सीवियर हेडेक में भी काफ़ी अच्छा क्विक रिजल्ट आपको फॉर्म होगा, कि एक बार में लगाते ही आपको रिलीफ मिलेगा। सो आपके जितने भी अलग अलग हेडेक्स हैं, जैसे साइनस या क्लस्टर या टेंशन या माइग्रेन के तौर पे आपको हेडेक्स होते हैं, इन सारे हेडेक्स में ये काफ़ी सरदर्द में राहत दिलाएगा। इसमें भी आपको 2 से 4 ड्रॉप्स लगाना है। इवन आपको जितने भी एरिया में दर्द हो रहा है उसे लगा के आप उसको कवर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो अच्छा इफेक्ट उसी पार्ट में दे आपको। देन आप नेजल कंजेशन में भी, मतलब नाक जब बंद होती है तो उस टाइम आप इसे इसका बाप भी ले सकते हैं, स्टीम भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आपको आपका नाक खोल देता है। और जितनी भी टूथ एक होती है, आपके दांत में जितने भी दर्द होता है, तो आप इसको 1 से 2 ड्रॉप लें, हेडेक में आपको 1 से 2 ड्रॉप्स। और आप इसे हैंड वॉश में भी करा सकते हैं बिकॉज ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, जो नेल साइड में जो कभी कभी स्किन कट हो जाती है, सो इन्फेक्शन होने से कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है या फिर इन्फ्लामेशन वहाँ पे बन जाती है, तो आप उसमें क्या करें, उसमें आप ये ड्रॉप डालें, 2 ड्रॉप्स डालें, क्योंकि उसके बाद अगर आप बस या पक जाने से पहले आप इसमें डालें और उसे किसी पट्टी से उसे कवर कर लीजिए, तो आपके ये 2 दिन में ही या 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसे कि ये जो आप मेरे स्क्रीन में पिक्चर देख रहे हैं उसी टाइप में। एंड जो ये काफ़ी यूजुअली लोगों को होता है, इवन मेरे भी काफ़ी हुए था, मैंने यूज़ किया, मतलब मैं रखती ही हूँ आर के अजीब, इवन आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण अभी मेरे पास रिसेंटली नहीं है, बट जैसे ही ये स्टॉक में आएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में से लिंक सेंड करूँगी। नहीं तो अभी जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है इसकी, इमरजेंसी मेडिसिन की, आप उसे ज़रूर बनाएं।
क्योंकि ये आपके घर में होनी ही चाहिए। देन आपको ये बर्निंग में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे ही आपको बर्न कर जाए तो आप एक से दो ड्रॉप डाल सकते हैं, काफ़ी आराम देगा। इवन डिसमिनोरिया जिससे कष्ट आर्तव है उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। एंड अब बात करते हैं सेफ्टी फर्स्ट। सो हमें सबसे पहले सेफ्टी पहले रखनी चाहिए, हर मेडिसिन की प्रिकॉशन ज़रूर अपनाना चाहिए और सुनना ज़रूर चाहिए। सो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुने क्योंकि प्रिकॉशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रिकॉशन पार्ट मिस ना किए। जब भी आप इंटरनल यूज़ करें सो आपको 12 बूंद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ओके। और अगर आप नोज़ या फिर अपने नाक या दांत में यूज़ करें तो आप ये आँख में नहीं जाना चाहिए, आई पार्ट में नहीं जाना चाहिए। एंड अगर 3 से ज़्यादा दिन हो गए आपके नेजल कंजेशन के लिए तो आप इसे ज़्यादा यूज़ ना करें, 3 दिन तक आप ज़्यादा यूज़ ना करें। आपको नेजल कंजेशन काफ़ी डेज से हो रहा है, मतलब 3 दिन से ज़्यादा हो गया है तब, बिकॉज़ क्या होता है कि वो रिबॉन्ड हो जाता है कंजेशन, सो वो क्या करेगा, इंफ्लामेशन या फिर कॉज कर सकता है आपके नेजल पार्ट में, उससे और भी सीवियर हो सकता है, इसलिए आप उसमें ध्यान रखें। इवन जिसको आरके अजीब से अगर आपको क्या प्रॉब्लम है आपको स्किन में, तो आपको पहले आपकी स्किन सेंसिटिव है आरके अजीब के लिए, तो आप पहले इसके थोड़ा सा कॉटन लेके डिप करके एक साइड में ही लगाएं हाफ में। देन उसके बाद अगर उधर रेडनेस प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पर रेडनेस आपको शो हो रही है, तो आप इसे ना लगाएं। एंड ये की पॉइंट याद रख ले, डोंट यूज़ रेगुलर। सो फ्रेंड्स डू नॉट यूज़ योर रेगुलर फॉर्म में नहीं यूज़ करना है इसको, यूज़ ओनली इन इमरजेंसी कंडीशंस ओनली। एंड 5 से 7 बच्चे हैं मतलब एज के बच्चे हैं, उनको 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें इंटरनल यूज़ ना करें, उन्हें इंटरनल यूज़ ना दें, जितना हो सके एक्सटर्नल ही यूज़ करें, वो काफ़ी फ़ायदा देगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।